धर्मा प्रोडक्शन लेकर आते हैं दोस्तों फिल्म कलंक। रिलीज का मौका है कलंक का और आज है पहला दिन। आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन रिपोर्ट्स आ रही हैं पहले दिन की, वो कलंक फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस दे रही हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। बात करना चाहता हूं वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर, संजू बाबा यानी कि संजय दत्त, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और माधुरी दीक्षित जी की फिल्म के बारे में। जिस तरीके से ऑडियंस का रिस्पॉन्स आया है वो मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है। ज्यादातर दर्शक दोस्तों यही कह रहे हैं कि वन टाइम वॉच है, एक बार तो देखनी ही चाहिए। फिल्म के गाने अच्छे हैं, फिल्म में सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, ये है वो है, लेकिन हाँ स्टोरी लाइन में कहीं ना कहीं कमी है। बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं ऑक्यूपेंसी के मामले में मॉर्निंग शोज की जो ऑक्यूपेंसी सामने आई थी वो 60% आई थी। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादातर वरुण धवन और आलिया भट्ट के फैंस ने धमाकेदार तरीके से फिल्म को आगे लेकर गए हैं और फिल्म को आगे लेकर प्रमोट किया है। जो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन आ रहा है पहले दिन का, वो मोर देन 15 करोड़ आ रहा है। यहाँ पर मैं राहुल घोष कहता हूँ दोस्तों कि फिल्म 16 से लेकर 18 करोड़ आसानी से कमाएगी अपने पहले दिन और इससे कम नहीं होगी, क्योंकि एडवांस बुकिंग के मामले में धर्मा प्रोडक्शन की इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। अब लेट्स सी, कल देखा जाएगा और पता चलेगा कि कितना कमाती है फिल्म, लेकिन अभी के लिए तो यही है कि 16 से 18 करोड़ के बीच में होगा अमाउंट। 18 से ज्यादा होगा तो वारे न्यारे, लेकिन हाँ 16 से कम नहीं होगा। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाएं और डेफिनेटली मुझे बताएं। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं राहुल भोज पल पल की बातें लाऊंगा आपके फेवरेट चैनल में। कीप ऑन वॉचिंग।